वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव ऐप डाउनलोड करके कभी भी और कहीं भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में अभी अब अपने रूम से बाहर आने वाला है, उसे अब इतनी आजादी प्रज्ञा की वजह से मिलने वाली है कि ताकि वो अपने यहाँ पर घर के अंदर घूम सके। और वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर और भी कई सारे नए मोड़ आने वाले हैं, जहाँ पर आपको देख कर ऐसा लगेगा कि आखिर में अभी अभी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा की सच्चाई धीरे धीरे करके लोगों के सामने आने वाली है। अब आखिर में कैसे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और एक शॉकिंग जो खबर है उसके बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। बात करें आने वाले एपिसोड की, तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि प्रज्ञा अभी को अब यहाँ पर पूरी तरह से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है उसके कमरे से। लेकिन अभी जैसे रूम से बाहर आता है, कुछ ऐसा होने के बाद में, कुछ गलत होने के बाद में वो भड़क जाता है अपने ही भाई के ऊपर, जिसके बाद में वो उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अभी को यहाँ पर लोग जैसे पागल बुलाते हैं, तो वो भड़क जाता है। और इसी बात पे अभी और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे से बहस भी कर चुके हैं पहले, और आने वाले एपिसोड में भी करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रज्ञा अब अभी के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएगी। वो बाकी सब लोगों को और खासकर आलिया को बताएगी कि वो कंट्रोल कर रही है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर रणवीर को भी शक होने वाला है, वो भी प्रज्ञा के ऊपर, कि आखिर में वो यहाँ पर क्या कर रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसको लेकर अब यहाँ पर ब्लैकमेल करते हुए नजर आने वाला है रणवीर, वो भी यहाँ पर प्रज्ञा को। और उसके साथ साथ एक और नया ट्विस्ट आएगा, उसके बारे में आपको बताते हैं बोनस पॉइंट के तौर पर। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर रणवीर, प्राची और उसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से रिया तीनों आमने सामने आने वाले हैं। लेकिन अब रणवीर की सगाई का फंक्शन शुरू होने वाला है, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड हुए ये खबर सुनकर कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।